हेलो फ्रेंड्स, आपका यूनिक यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सफल होना है तो चलना ही होगा, मोटिवेशनल स्पीच बाय सपना थपलियाल। सो लिसन केयरफुली। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेज़ी के साथ अपनी ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है और शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो वह अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान हो तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं हैं। और जो रुकते नहीं हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई ही नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेज़ी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सी हैं, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती। क्योंकि सफलता व असफलता तो बात की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वह आपके लिए, केवल आपके लिए हमेशा धड़कता रहता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं कि लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं और आपकी आँख हमेशा देखती है। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। तो दोस्तों, अब मैं आपको फिल्म सफ़र के एक गाने के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे मात्रा दे ने गाया है। ज़रा इसकी मोटिवेशनल लाइन को तो पढ़िए, देखिए, सुनिए। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से
डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, पार हुआ वो रहा जो सफ़र में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तो देर किस बात की है फ्रेंड्स। आज और अभी से, अभी अपने लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो। चलते रहें और बीच रास्ते में आई बाधाओं को सीना तान कर पार करते रहो, तो सफलता आपके कदमों में होगी। फ्रेंड्स, ये बेस्ट मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल स्पीच आपको कैसी लगी मेरी? अगर आपको ये हिंदी स्पीच नेवर गिव अप आपको अच्छी लगी है, तो आप मेरे को मेरी वीडियो शेयर करो और इसमें कमेंट पास करो। और इसके अलावा आप अपना कमेंट ईमेल भी मुझे कर सकते हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।